लाहौर को जो क्राइम की रेशियो है ना, इसलिए कम हुई है कि जो सेफ सिटी अथॉरिटी का जो प्रोजेक्ट है ना, कि आप क्राइम किसी भी शाहरा पे होता है वो थ्रू सीसीटीवी कैमरा उसको अप्रोच करते हैं। तो ये बड़ा इनिशिएटिव है पंजाब गवर्नमेंट का। गाड़ी गलत खड़ी है, गलत पार्किंग खड़ी है, वो बोल के तो गाड़ी आगे पीछे करवा देते हैं कैमरों वाले। कैमरे से बोलते हैं? हाँ, कैमरे से बोलते हैं। 100 में से 75% 80% इन कैमरों के मुश्किलात हल किया लोगों का। नाज़रीन, 2016 में पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी क्याम अमल में आई। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के क्रेडिट में बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हैं। दहशत गर्दी के वाकयात का ट्रेस हो जाना, इंटरनेशनल टीम्स का पाकिस्तान में आना, PSL के मैचेस का होना, इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ का लाहौर में आके लाहौर को सेफेस्ट सिटी करार देना, ये सब एक तरफ। लेकिन सवाल ये है कि लाहौर के शहरी पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के इन कैमरों के बारे में क्या जानते हैं, कितना जानते हैं, कितने % मुतमिन है? आइए आपको दिखाते हैं। वेलकम टू द शो, वेलकम टू द पुलिस लॉग। नाज़रीन, बात हुई थी कामयाबियों की, कामयाबियां एक तरफ, लेकिन लाहौर के शहरी पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के कैमरों के बारे में कितना जानते हैं? आखिर ये प्रोजेक्ट उनके लिए लगा है, ये कैमरे उनके लिए लगे, जो स्टेक होल्डर्स हैं, आवाम, आम शहरी, वो कितना जानते हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपका? ठीक ठाक भाईजान। भाईजान, आपको पता है कि लाहौर में आप बड़ा सेफ़ फील करते हैं। अगर मैं ये पूछूं कि अगर नाका लगा हुआ है, नाका भी एक मौजूद है, उसके अलावा कैमरे भी मौजूद हैं, आप कितना जानते हैं सरकारी कैमरों के बारे में? जी, ये बहुत अच्छी बात है, कैमरे लगे हुए हैं, इधर रश भी कम हो जाता है। तो गाड़ी गलत खड़ी है, गलत पार्किंग खड़ी है, वो बोल के तो गाड़ी आगे पीछे करवा देते हैं कैमरों वाले। कैमरे से बोलते हैं? हाँ, कैमरे से बोलते हैं। और इधर ना रशके खड़े हो जाएँ, वो रशके भी आगे पीछे करवा देते हैं। रशके में कोई गलत काम हो रहा हो, शराब पी रही हो, कोई गलत काम हो रहा हो, वो भी मना करते हैं, कैमरे वाले देख के मना करते हैं। हमारे पास इधर ना बर्तनों की दुकान पे एक लड़का काम करता है। अच्छा। बहुत 12 साल से काम कर रहा है मेरे साथ। अच्छा। और वो इधर रश्के में बैठा हुआ था, या सिगरेट भर रहा है या सिगरेट पी रहा था, वो कैमरे से बोला, लाइट ब्लू कपड़े वाले में तुम्हें देख रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो? और वो लड़का हमारे से 2-3 दिन हमारी दुकान पर आई नहीं, मार्केट छोड़ के चला गया। मुझे दोबारा से समझाएं, कैमरे से बोला कि? कैमरे से बोला था, कैमरे से बोल रहा था, जो भी बोल रहा था भाई, लड़का था कोई, कैमरे से बोल, लाइट ब्लू कपड़े वाले तुम्हें मैं देख रहा हूँ, तुम रश्के में क्या कर रहे हो? अच्छा। वो लड़का इधर से भाग गया, मार्केट छोड़ के चला गया, 3 दिन के बाद हमारी दुकान पे फिर आ गया। तो अच्छा किया ना कैमरे वालों ने, उसकी जान बचा। बहुत अच्छा किया। और उसने वो पहले सिगरेट पीता था, अब वो सिगरेट पीने छोड़ गया जी। ये तो अच्छी बात है। कितने % मुतमिन है, अगर % पूछे, कितने % हम 100 से 100% मुतमिन है कैमरे पे, खास तौर पे हमारा इधर रश भी कम हो गया है कैमरे की वजह से। कैमरे का फायदा है ना? बहुत फायदा हमें जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, ये जो पिछले शहरी बता रहे थे कि कैमरे से आवाज़ आती है, आवाज़ नहीं आती, कैमरे में एक स्पीकर साइट होती है जिसमें वो बता देते हैं कि ये रॉन्ग पार्किंग है, ख्याल करें, छोड़ दें, ना करें। एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की नाम है तुम्हारा? मोहम्मद बासर। अब्बास साहब, पता जाते कोई लगे ने कैमरे भी लगे ने, कोई कहते ने कोई सरकारी कैमरे लगे ने? हाँ लगे ने। की फायदा उन्होंने? आवाम को वेखन वास्ते लगे ने। कौन वेखदा? हुकूमत। मुतमिन हो? हाँ। इस रोड पे किथे लगी, इस रोड पे किथे लगया कैमरा? उत्ते लगे है। हाँ, वही कैमरा लगा हुआ है। खुश हो जी? कितने % फुल खुश हूँ। चलो जी, बड़ी मेहरबानी। वो बच्चा बड़ा खुश है, वो कह रहा है कि हुकूमत देखती है, उसको नहीं पता कि ये कैमरे पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी एक डिपार्टमेंट है जो चलान करता है, एक डिपार्टमेंट है जिसे 15 की कॉल आती है, या वही डिपार्टमेंट है, उसी उधर ही कैमरे ने। ठीक हो गया। नाज़रीन, जब हम राय लोगों की जान रहे हैं कि सेफ सिटी के बारे में, तो हर तरह के प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे पास शहरी मौजूद हैं। एक शहरी मौजूद हैं बाबा जी, इनकी फलों की एक रेडी है और ये इस मार्केट में मौजूद है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैमरे भी लगे हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी, क्या नाम है आपका? जाहिद महमूद। बाबा जी, कैमरों के बारे में क्या जानते हैं? कैमरे बारे, कैमरे इसलिए लगे होते हैं कि कैमरों में नजर आ जाता है कि ये चोरी किसने की है, कौन है चोर। बाबा जी, आप किन कैमरों से मुतमिन है कि नहीं मुतमिन? जो सरकार है, मतलब है कि चोरी चिकारी हो, ये सरकारी कैमरों में देख लेते हैं, वो नज़र नहीं आते कौन चोर है, कौन चुरा के ले गया है, कोई समझ नहीं आता। अगर मैं ये पूछूं 100 में से बता दें कितने % मुतमिन है, तो कितने % मुतमिन आप? 100% तो है ही मुतमिन, ये गवर्नमेंट ही कैमरे है, इसमें मुतमिन तो है ही। लेकिन बेहतरी की गुंजाइश है, बेहतर हो सकता है? बेहतर हो सकता है, ये अच्छी बात है। कैमरे जो गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं ना, ये अच्छी बात है कि पता चल जाता भी
गुलमर्ग में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम रेडी लगाई है ना कैमरे में सबको नजर आ रहा है। आपको कभी चलान नसीब हुआ, कैमरा देख के कोई डर लगा? कभी भी नहीं, कभी चलान नहीं हुआ आज तक, क्योंकि मैं मुतहात रहते हैं, कभी भी ओवर स्पीड नहीं करते। जब भी हम देखते हैं ना ये सामने कैमरे लगे हुए, हमारे दिल को तसल्ली होती है कि यानी कि अपनी स्पीड में जा रहे हैं ना, अगर कहीं से तेज़ भी आ रहे हैं सामने देखें कैमरे हैं तो अपनी स्पीड कम कर लेते हैं। मुतमईन है? मुतमईन, बहुत मुतमईन है। मैं आपसे पूछूं कि मुझे 100 में से कितने परसेंट आप देंगे किन कैमरों को? इन कैमरों में 95%। 5% क्यों कट? बस वो थोड़ा सा कोई ख़राब होते हैं कुछ, कई मतलब वो रहते हैं कभी को, कभी पढ़ते हैं हम भी ओवर लुक की कोई आती है। हाँ, ऐसे ही है। कि कभी कभी देखते हैं कि स्पीड पे नहीं बंदा, थोड़ी सी स्पीड पर जा रहा तो वैसे ही चलान आ जाएगा। चलिए सर, उसका वे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको चलान गलत आ जाए आपने 15 पे कॉल करनी है या etclhr@psca.gop.pk पे ईमेल करनी है, आपका चलान वापस हो जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अपना टाइम। आप जिस इलाके में, इस इलाके में कभी आपने कोई सरकारी कैमरा देखा वो जो? देखे जी। क्या फ़ायदा है उसके? बहुत पैदी है जी, लोग गाड़ी गलत खड़ा कर दे तो वो देख रहे हैं, कोई चोरी डिकीती कर दे वो भी देख रहे हैं, उसके बहुत प्रॉब्लम हल किए वो कैमरे ने। हाँ श्योर है उनकी ज़िंदगी में। हाँ तो अगर मैं ये कहूँ कि आपसे कि 100 में से कितने परसेंट देंगे नंबर इन कैमरों को? इंशाल्लाह ये 100 में से 75% 80% इन कैमरों के मुश्किल हल किया लोगों का। हाँ। और आगे भी कोशिश कर ले, पुलिस भी अपना ड्यूटी कर ले सही, और इंशाल्लाह ही अल्लाह ठीक है। नाज़रीन शहरियों से पूछते हैं वो कैमरों के बारे में कितना जानते हैं, ये कैमरे किसने लगाए हैं और ये कैमरे काम क्या करते हैं। मेरे साथ एक रिक्शा ड्राइवर भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब वो कैमरे लगे हुए हैं वो कैमरे किसके हैं, किसने लगाए हैं, क्या काम करते हैं? ये मेरे ख्याल से ये सिग्नल वायलेशन के लिए लगाए गए हैं। अच्छा। और ये हुकूमत पंजाब की तरफ से है। तो लगने के बाद आपने कोई वायलेशन रोकी है, करते हैं अभी भी? नहीं, काफ़ी फ़र्क पड़ा है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ, कर भी रहे हैं फाइन के नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये आपको अभी तक कंफर्म नहीं है? अभी तक नहीं कंफर्म, अगर ये इसके ऊपर अमल किया जाए तो काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। आप खुद वायलेशन तो नहीं करते, कोई फ़र्क पड़ा है? कैमरा जब देखते हैं किसी इशारे पे सिग्नल पे, खुद रक्षा रोक लेते हैं? रोक लेते हैं। हाँ जी। तो फिर थोड़ा सा खौफ तो है ना आप? ये कैमरे किस इदारे की तरफ से? सिक्योरिटी रीजन की वजह से मेरे लगाए किसने? हुकूमते पंजाब की तरफ से ही है। ये हुकूमते पंजाब की डायरेक्शंस पे के हुक्म पर पंजाब पुलिस का इदारा है, पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी, सेफ सिटी लाहौर ने लगाया। जी जी, चलो जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। आपका कभी कोई ई चलान हुआ है, कोई वायलेशन की है, कोई पता है कुछ इस बारे में? मुझे एक दफ़ा ट्रैफिक वार्डन ने रोका, कहते हैं मैंने आपके चलान चेक करने हैं, तो उन्होंने चेक किए, वो कह रहे हैं अभी आपके 4 फाइन है। अच्छा। 5 होंगे तो फिर आपको बंद कर देंगे। आपको चलान नहीं मिला कर? नहीं, अभी तक मुझे नहीं मिला, काफ़ी देर हो गई। वो आपके एड्रेस का मसला होगा, आप एक काम कीजिएगा 15 पे कॉल कीजिएगा, 15 पे एमरजेंसी 15 पे। जी जी, उन्हें कहिएगा कि मेरे इस तरह मुझे ट्रैफिक वार्डन ने रोका था, रिक्शे का नंबर बताएंगे, अपना नाम बताएंगे, तो वो आपको चलान बता देंगे, और अगर आपकी आसानी हुई तो आपको चलान आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप भी कर देंगे। चलिए, आप उसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा। बिल्कुल, थैंक यू आपका बहुत बहुत। नाज़रीन हमारे साथ एक और मुअज़्ज़ज़ शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। भाजन ये कैमरे सरकारी कैमरे, सिक्योरिटी कैमरे कहीं नजर आए हैं लाहौर में लगे हुए? हर तरफ लगे, हर जगह लगे हुए। इस चौक में कहीं लगे हुए? हाँ सामने लगे हुए। वो लगे हुए? हाँ जी। क्या काम करते हैं जी? ये बताते हैं, ये ट्रैफिक वालों के जो आगे पीछे कानून तोड़ते हैं, ये उनके लिए है कि ये कानून की खिलाफ वर्जी ना करें, इशारे ना तोड़ें, जिससे मतलब के कानूनी खिलाफ वर्जी ना करें। लोगों को देखते हैं, कभी देखा लोगों को कि ये लोग इशारा ना तोड़ें इन कैमरों के डर से? बल्कि ये कानून पर कोई अमल नहीं करता, ये कैमरे लगाए तो हुए हैं इसके काम के लिए, लेकिन ये आवाम जो है ना इस कानून पर अमल नहीं करती, ये कानून की खिलाफ वर्जी करती है, इशारे तोड़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे भागते हैं, दौड़ते हैं, कोई इनमें कोई लिमिट नहीं है, कोई मतलब कोई ख्याल नहीं, कोई ख्याल नहीं करते कानूनी कोई खिलाफ मतलब के कानून तहत कोई भी नहीं चलता। कैमरे तो सही काम कर रहे हैं ना? कैमरे तो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, अब कैमरों का और आदमियों को चाहिए ना कि वो भी सही चले। कैमरे लगाए किसने? कैमरे हुकूमत ने लगाए। अच्छा, पता है आपको? चले मैं आपको ये भी बताता चलूँ, लगाए हुकूमत ने है। हाँ। लेकिन पंजाब पुलिस का अधार है पंजाब सेफ सिटी। हाँ। सेफ सिटी क्या? हाँ, सेफ सिटी ने लगाए। अच्छा, बहुत शुक्रिया भाई जान। कोई बात नहीं। एक और शहरी मुझे बाइक पे नज़र आए हैं, इनसे पूछ लेते हैं ये कैमरों के बारे में जानते हैं जो लाहौर में लगे हैं, और कैमरे काम किस तरह कर रहे हैं इनको पता है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम इमरान अली है। इमरान साहब मुझे बताएं कि आपको पता है कि लाहौर में कैमरे लगे हुए?
जी बिल्कुल, जो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी है अच्छा जो काम कर रही है वो बड़ा एक, मैं समझता हूँ कि लाहौर को जो क्राइम की रेशो है ना वो इसलिए कम हुई है कि जो सेफ सिटी अथॉरिटी का जो प्रोजेक्ट है ना इसके बरक्स के जो हमारी पुलिस है उनको क्राइम पेशा जो अफराद हैं उन तक पहुँचने में बड़ी मदद आसानी मिलती है कि आप क्राइम किसी भी शाहरा पे होता है वो थ्रू सीसीटीवी कैमरा उसको अप्रोच करते हैं। तो ये बड़ा इनिशिएटिव है पंजाब गवर्नमेंट का, इसी को एक्सपेंड करके आई थिंक हम इस क्राइम की रेशो को कम कर सकते हैं और कैमरास को ऑल ओवर द लाहौर हमें एक्सपेंड करना चाहिए जो अभी अहम शाहराओं पे है। अच्छा, तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। तो आई थिंक ये हर पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में पंजाब सेफ्टी अथॉरिटी का ये प्रोजेक्ट ऑन होना चाहिए। तो आपकी ख्वाहिश है कि जहाँ पे आप रहते हैं जिस भी लोकेलिटी में रहते हैं वहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे हों? जी बिल्कुल, कैमराज तो देखें कैमरा कैसी चीज़ है कि आप छुप नहीं सकते उससे, वो सामने आपको आई कैच जो भी आप आपका फेल है आपकी मूवमेंट है वो आपको सामने आपको दिखा देता है कि आप ये चीज़ कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हर बंदा चाहता है कि उसकी सिक्योरिटी हो, उसको सेफ हो, उसके साथ क्या हुआ है। तो मेरे ख्याल में हर जगह पे ये कैमरास फिक्स्ड होने चाहिए। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू। ये खातून मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं ये कैमरे सेफ सिटी के कैमरों के बारे में इन्हें क्या पता है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम, आपको पता है कि शहर में कुछ कैमरे भी लगे हुए हैं? जी जी, वो लगे हुए कैमरे। अच्छा, आपको इनका फायदा? जी जी, इनका बड़ा फायदा है। क्या फायदा इनका जी? इनका कोई हादसा वगैरह हो जाए तो इनसे मालूम आप अभी शॉपिंग करने आई नहीं है? जी जी जी, ये जा रही है रोड पे बैग में, बंदे के पास मोबाइल भी होता है, कुछ नकदी भी होती है, खुदा ना खासा कुछ हो जाता है, हादसा हो जाता है, कैमरे हेल्पफुल होंगे? जी 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 बिल्कुल, मदद मिल जाएगी इनसे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, इनका यही फायदा है। अच्छा, जहाँ पे रहती है मोहल्ले में लगे हैं आपके? जी जी लगे हुए। खुश है, मुतमिन है? बिल्कुल। कितने परसेंट मुतमिन है? 90%। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। मेरे साथ एक दुकानदार भाई मौजूद है, उनसे पूछते हैं वो कैमरे के बारे में क्या जानते हैं। हाँ जी खान साहब। यार ये हमारे लिए बहुत अच्छा बना हुआ, ठीक है, कोई सामान भी गुम हो जाते तो फिर मिल जाते हैं, बात करते हैं उसके साथ जाके, थाने में जाके बात कर रहे हैं, कुछ भी गुम हो जाते हैं इंशाल्लाह मिल जाते हैं। बहुत अच्छा काम कर रही है इसने, गवर्नमेंट ने सही काम किया, बहुत सही काम लगाया, खुश है ये गवर्नमेंट ने लगाया, हम बहुत खुश है उससे। कितने परसेंट खुश है? बहुत खुश है, बहुत, 100 से ऊपर। 100 से ऊपर? ये तो 100 से ऊपर खुश है। एक और भाई इनसे बात करते हैं, ये कैमरा लगा हुआ भाई, फायदा है इसका? बहुत है भाई, हमारे तो हापुस के लिए लगा हुआ है, इसका बहुत हिफाजत के लिए लगा जी, बहुत हिफाजत। ये लगाया किसने? गवर्नमेंट ने लगाया होगा। आपको मैं एक और बताऊं, गवर्नमेंट के डायरेक्शंस पे, गवर्नमेंट के हुक्म पे पुलिस का एक डिपार्टमेंट है सेफ सिटी, सेफ सिटी एक नाम है जिनसे चलान भी आते हैं, ये उसने लगाया। सही कर रहे हैं ना? सही कर रहे हैं, बहुत चलान सही हो रहे हैं। हाँ जी, कल मैं एक न्यूज़ देख रहा था, एक बंदे का 71 चलान हुआ था। अच्छा, गलती किया था इसलिए चलान हुआ है। पकड़ा गया? मेरे ख्याल में पकड़ा गया था उसको। पकड़ा गया तो न्यूज़ आई ना जी। कितने नंबर दोगे कैमरों को ये जो लगे हुए हैं सरकारी कैमरे? उसको तो मैंने सर 95 नंबर दे देने। 95 नंबर? जी 95। 5 नंबर माइनस क्यों किए? बस मतलब ये थोड़ा मोड़ा गलती भी हो जाते हैं ना, तो ये 95% जो है ना ये सही कर रहे हैं। नाज़रीन, सेफ सिटी के कैमरा के बारे में शहरी क्या कुछ जानते हैं और कितने परसेंट मुतमिन है, इस चीज़ को लेके हमने तकरीबन 100 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट का सर्वे किया। ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि वो सेफ सिटीज़ के कैमरा से मुतमिन है, उन्होंने कुछ परसेंटेज का भी इजहार किया, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना था कि बेहतरी की गुंजाइश अभी मौजूद है। अगर आप भी सर्वे में शिरकत करना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट्स में लाजमी मैंशन करें कि आप कितने परसेंट सेफ सिटी के कैमरा से मुतमिन है। आपके लिए और भी सर्वेस लेके आएंगे। मुझे उमर बख्त को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।